हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तराखंडी व्लॉग। तो गाइस, आज 18 मई है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे मतलब कि 10 जून को हमारे एग्ज़ाम होने हैं नर्सिंग के। तो मैंने भी GNM का फॉर्म भरा था, 8 अप्रैल को मैंने भी भरा था। और अप्रैल नहीं गाइस, मई सॉरी, इसी महीने आया है और आज 20 तारीख हो गई है। और क्योंकि मैं BSc नर्सिंग का इसलिए नहीं भर पाई क्योंकि पढ़ाई उतनी नहीं हुई थी, मतलब हमने पढ़ाई की ही नहीं थी क्योंकि मेरा कॉलेज साथ साथ चल रहा है और फिर कॉलेज का भी करना ही पड़ता है। और फिर अभी भी कॉलेज है, सेकेंड सेम है, बट मैं नहीं पढ़ रही हूँ गाइस, मैं क्लास ही नहीं जा रही हूँ। बुक के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या क्या बुक पढ़नी है इस दौरान, GNM के दौरान। भले मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं भी दे रही हूँ, लेकिन पिछली बार से थोड़ा आइडिया है, 2-3 पेपर देखे थे मैंने। तो हाँ गाइस, आप एक होती है उत्तराखंड परीक्षा वाणी, ये देखिए गाइस, ये है उत्तराखंड परीक्षा वाणी, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप एक इस बुक से को पूरा पढ़ लीजिए, मतलब उतने डिटेल में तो नहीं आता है, लेकिन मतलब हाँ आता है, बीच से आ जाता है, कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ से आया है। तो पढ़ना तो चाहिए पूरी बुक वैसे, मतलब हो सके जितना पढ़ सकते हो आप, मतलब इसको पूरा मतलब पढ़ना रट रहे हैं। अब मेरे पास तो टाइम उतना नहीं है कि मैं इसको पूरी रट पाऊँ, तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है मैं उतना रट पाऊँ। तो पहले से ही पढ़ेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। तो एक होगी आपकी उत्तराखंड परीक्षा वाणी और भी बुक होंगी उत्तराखंड से रिलेटेड, जिसमें मतलब उत्तराखंड और उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। कि एक तो मतलब आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से मंत्री वगैरह हैं, क्या के कौन कौन से मंत्री कौन कौन से पोस्ट पर कौन कौन क्या क्या, मतलब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है हमारी उनको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर है आपकी इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया से रिलेटेड मैं बता देती हूँ। तो गाइस, दूसरी बुक है हमारी इंडिया से रिलेटेड सामान्य ज्ञान आता है एक, तो सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। ये रही आपकी लूसेंट की बुक, इस तरीके से बुक ले लीजिए आप बाज़ार से और इससे आप पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है कि मंदिर अनुच्छेद वगैरह, और इसमें साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑल इन वन समझ लो आप, ऑल इन इंग्लिश वगैरह तो नहीं होगी लेकिन साइंस के क्वेश्चन हैं। और आपको भूगोल के क्वेश्चन हैं, इंडिया के भूगोल और इंडिया के मंत्री वगैरह, मतलब प्रेजेंट टाइम मतलब पहले कौन थे, सेकंड कौन थे, फिर मंदिर वगैरह, फिर लगा लो आप अनुसंधान संस्थान, कौन से देवता, कौन सा वेद वगैरह। और इसमें है आपका मतलब खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हैं, मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हैं। और बाकी अगर कोई और एग्ज़ाम भी होता है ना, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, मतलब इसको पढ़िए, लेकिन GNM में भी आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें मंदिर मस्जिद और सबसे बड़ा प्रथम कौन था, ये सब कुछ इसमें मतलब लूसेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर है आपको कि आप अपने यूट्यूब चैनल से भी मतलब जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, किसी आप पुराने पेपर को देखते हो तो उससे रिलेटेड मतलब कोई क्वेश्चन आया है जैसे, तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि अगर अगले साल ये ना आए तो ये आ सकता है, ये ना, तो उससे रिलेटेड आप जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना। तो हम जानते हैं कि वो महात्मा गांधी ने दिया, लेकिन हो अब क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि उससे दूसरे रिलेटेड मतलब और नारे देते हैं कि ये नारा किसने दिया था, कहते ना। फिर पुस्तकें भी हिंदी लूसेंट में, ये सामान्य ज्ञान लूसेंट में पूरी हैं, ठीक है। तो पुस्तकें बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और अब है आपको मतलब अब तीसरी चीज़ आपको हिंदी, ठीक है ना, तो हिंदी लूसेंट ले लीजिएगा, ओके। तो हिंदी लूसेंट से पढ़ें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ANM में तो उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे आता है कि समास और ANM के लिए जो बच्चे ANM भी चाहते हैं, ANM में भी बहुत सारे वो हैं, ऐसा बात नहीं है।
जो करना चाहता है वो कर ही रहा है, और मतलब उसमें उतना टफ नहीं आता है, सही आता भी पर, लेकिन जीएनएम में मतलब हिंदी व्याकरण पे बहुत टफ आता है, तो आप थोड़ा उसको भी, अगर आप हिंदी लूसन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बस वही रिलेटेड टू असन पढ़िए कि इस बार ये आया है तो अगली बार मतलब उसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करिए कि आप मतलब ये कीजिए, हिंदी लूसन आप ले लीजिए, ओके। फिर आप क्या कीजिए कि जो पुराने पेपर हैं उनको भी एक बार देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। फिर इंग्लिश, इंग्लिश पे एंटोनिम, सिनोनिम, टेंस वगैरह ही आते हैं ज़्यादातर, और ये फिल इन द ब्लैंक की मतलब क्या मतलब मॉडल्स क्या वगैरह होते हैं ना, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नॉन आएगा, मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन। और एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन दो तो आते ही आते हैं, और टेंसेस के क्वेश्चन भी आते हैं। और हिंदी में आप मुहावरे, समास अलंकार, और समास अलंकार और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट है, किस शब्द वर्णमाला के किस शब्द का उच्चारण किस उससे होता है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस जनरल साइंस के लिए आप, क्योंकि जनरल साइंस भी इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर का आता है, तो जनरल साइंस भी आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। किससे आप एनसीईआरटी की 9-10 की बुक पढ़ लीजिए साइंस की अच्छे से, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें रिलेटेड जो भी किसने क्या खोज की थी और किसका क्या मतलब पूरा उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, जो भी नियम कानून हैं बिग साइंस में उनको पढ़ लीजिए। और फिर आप क्या पढ़िए, 11th 12th का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि कहीं से नहीं आएगा। फिर आप कॉमन क्वेश्चन भी साइंस के पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस में तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप 11th 12th 9th 10th पूरा डिट्टो पढ़ लीजिए, 8th का भी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, उसी से ही आता है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है हिंदी, वैसे मतलब ऐसा होता है ना कि उसके अनुसार होता है, सीरियल नंबर के अनुसार, सबके पास एक ही सीरियल नंबर नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है, होता होगा लेकिन चार सीरियल नंबर, ए बी सी और डी, ओके, चार सीरियल नंबर होते हैं। तो किसी के पास ए होगा तो किसी के पास बी, किसी के पास सी, किसी के पास डी होगा, ठीक है। तो मतलब पहले हिंदी भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, वो सीरियल नंबर पर आता है, या फिर क्वेश्चन आके पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिंदी लगा लो, हिंदी भी आती है आपकी 10 नंबर की, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से 10 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई, और फिर आपका, तो गाइस 40 नंबर का आता है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और उसमें उत्तराखंड भी आता है, और आपका आता है उसमें इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। तो गाइस जनरल साइंस के लिए आप, क्योंकि जनरल साइंस भी इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर का आता है, तो जनरल साइंस भी आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। किससे आप एनसीईआरटी की 9-10 की बुक पढ़ लीजिए साइंस की अच्छे से, ठीक है। छोटे कॉमन क्वेश्चन भी साइंस के पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस में तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप 11th 12th 9th 10th पूरा डिट्टो पढ़ लीजिए, 8th का भी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, उसी से ही आता है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ़ायदेमंद लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाले सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ओके। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।